हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस कमाल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का सिर्फ ये 30 VVI प्रश्न। ठीक है, आपको ये सिर्फ 30 VVI प्रश्न पढ़ लेने हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, क्योंकि आपका ज़िंदगी का बात है। ठीक है, और आप इस चैनल पे अगर लास्ट तक बने रहते हो एग्ज़ाम तक तो आपके एग्ज़ाम में 95% पक्का आएगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, परलोक शब्द में उपसर्ग है। तो परलोक शब्द में जो उपसर्ग है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, पर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थ्री का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फोर है, नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो चार का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ची। ठीक है, नकलची शब्द में जो प्रत्यय है फ्रेंड्स वो कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हम इसी तरह से आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट का मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो फाइव का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अस जोड़ दा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो सेवन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पो जोड़ अन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो एट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत जोड़ योग। ओके, उद्योग शब्द का जो संधि विच्छेद है फ्रेंड्स वो क्या है, तो उत जोड़ योग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, प्रश्न क्या है, नाइन नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कुहासा शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए है पुलिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पुलिंग। ठीक है, कुहासा जो शब्द है वो क्या है, तो पुलिंग है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, घी शब्द है। तो घी शब्द क्या है, तो दस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि घी शब्द क्या है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। ठीक है, लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व शिक्षक थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 है, उदय प्रकाश का कब जन्म हुआ था। ठीक है, उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1952 ईस्वी में। ठीक है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी VVI प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, तिरिच किस प्रकार की रचना है। ठीक है, तिरिच जो है फ्रेंड्स वो किस प्रकार की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ये, आधुनिक त्रासदी। ठीक है,
13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अब चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 14 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था फ्रेंड्स, तो मदन मोहन गुगलानी नाम था। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि रघुवर सहाय के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हरदेव सहाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कवियों का कवि मतलब किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है तो आपको बताना है शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। ठीक है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जहाँ भय है वही मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। ठीक है, ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर की, ऑप्शन बी है ओ सदानीरा की, ऑप्शन नंबर सी है सिपाही की माँ की, और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा की। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जय कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स वो क्या है, तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो प्रश्न क्या है 21, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो क्या कहलाता है गोद में सोने वाला, ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है पुत्र, ऑप्शन सी है अंकसाई, और ऑप्शन नंबर डी है अंकसत। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अंकसाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतेवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसका खंडन ना किया जाए सके वह है। ठीक है, जिसका खंडन ना किया जा सके वह है, ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी है वायु, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अखंडनीय। ठीक है, तो 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो अखंडनीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, वह है। तो ऑप्शन ए है बड़ा, ऑप्शन बी है पूर्वज, ऑप्शन सी है अग्रज, और ऑप्शन नंबर डी है अनुज। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या है, तो अग्रज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसके बिना काम ना चल सके, ठीक है, के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, अपरिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो अपरिहार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जो खाने योग्य हो वह है। ऑप्शन ए है शुद्ध, ऑप्शन बी है स्वच्छ, ऑप्शन सी है खाद, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रहणीय। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। ठीक है,
अनल जो शब्द है इसका पर्यायवाची होगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये आग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। ठीक है, आयुष्मान शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिरंजीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा तो क्या होगा? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परेशानी। ठीक है, झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? तो परेशानी होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ये है भय, ऑप्शन बी है लुठंग, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन नंबर डी है भयानक। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भयानक। ठीक है,